स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि चंद्रमा की कलाएं किसे कहते हैं। आइए सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब में लिखेंगे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे के बीच जो है एक दूसरे संबंध अवस्थित करते हैं की स्थिति के कारण, यानी इसकी स्थिति के बदलने से अलग अलग रात में चंद्रमा की आकृति बदलती रहती है, उन्हें चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। इसे इस तरह से समझिए, देखिए ये पृथ्वी है और हम सभी जानते हैं कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और इस घूर्णन के कारण सूरज की रोशनी कभी जो है चंद्रमा पर जिस जिस तरह से पड़ते चला जाता है उस तरह से हमें चंद्रमा दिखाई देता है। जैसे कि अगर यहाँ पर चंद्रमा है तो चंद्रमा के इस भाग पर रोशनी पड़ रहा है और हम लोग इस भाग से देख रहे हैं तो हमें चंद्रमा बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा, या तो उसका जो काला भाग है वह दिखाई देगा, ठीक है, यानी छाया वाला भाग, जिस वजह से उस समय हमें नहीं दिखाई देगा तो हम उसे अमावस्या कहेंगे। लेकिन जब हम इस स्थिति में रहेगा तो सूरज का रोशनी पूरा का पूरा इस चंद्रमा पर पड़ेगा, जिस वजह से अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और चंद्रमा को देख रहा है तो उसे ये पूरी तरह से दिखाई देगा, जैसा कि आपको इमेज में यहाँ दिख रहा है। तो इस आधार पर इस स्थिति को हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो ये जो है सूरज की रोशनी पड़ने के कारण ही चंद्रमा की अलग अलग आकृति हमें दिखाई देती है। ये था आपके प्रश्न का जवाब। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।